और जो दीन तख्त आ जाए ना वह फल के मिल जाए। आखिरी गल तुहानू उन्हां दी सुणाना फिर अपनी गल करांगा। दीन तख्त आ जाए तो फिर वह फल की है, वह समरा की है, वह फायदा की है। दीन आए तख्त है, महल के अंदर शहजादे वड़े ने जुतियां समेत उन्हें सोने के सोफे के बह गए ने। यह पैगाम दिता ने भी ये सोने के सोफे साढ़े वास्ते मिट्टी के बराबर ने, जुतियां समेत उपर बह गए ने। एक घंटे के अंदर काबुल की हर औरत ने बुरखा पा लिया है, हत्ता के जी BBC लंदन के गैर मुल्की चैनल दौरत ना उन्हें भी बुरखा पा लिया है, उन्हें भी सिर कज लेने। क्यों? दीन तख्त आ गया सी। जब दीन तख्त ना हो, तख्त बैठे हुए यजीद, तख्त बैठे हुए फिरौन, तख्त बैठे हुए कुत्ते खिडाने वाला, तख्त बैठे हुए शराबा पीने वाला, तो हजार साल तबलीग करिए ना किसे बुरखा नहीं पाना। तबलीग थोड़िया तबलीग साढ़े इतने न, पूरी पूरी जमात तबलीग तो निकली है, सुनिया की भी, तो दोबंदियों की भी, तो अलदीसा की भी। मौलवी वन को वन तो रंगो रंग दे, खुदा की कसम इतने मौलवी चैनल खोलो रैन लगी पई है, सुराला सुनना के बगैर सुराला सुनना। हर रंग का मौलवी, हर रंग की तबलीग, वड़िया वड़िया जमातां, वड़े वड़े इज्तमा, जनाब चैनल वखरे, तो किसे के तब्दीली आई है? किसे नु आखो इत्थे बुरखा पा, दूसरे तुहाड़े ते परचा ना हो जाए तो फिर आखे भाई तू कौन होना है बुरके पाने वाला? दीन तख्त आए हैं, किसे नहीं आख्या बुरखा पाओ, पर उन्होंने पता लग गया है रसूलुल्लाह का दीन तख्त आ गया है, रसूलुल्लाह की शरीयत ते चलांगे तो जान छुट्टेगी। असी आने दीन नू एक बारी तख्त लिया के देखो, हर किसी अजमा लिया, हर चोर नू तुसां अजमा लिया, हर चोर को जेब कटवा लीए, हर नौसरबाज को नौसरबाजी लवा लीए, एक बारी दीन नू मौका दे दियो। हुण ते अल्लाह ने तुहानू सामने नक्शा भी दिखा दिता है, इंशाल्लाह हजूर का दीन तख्त आवेगा। इस तू पहले असी नहीं बहना, असी कोशिश करते रहना है। मेरे कोल तुहाडे कोल सवाल कोशिश दा होना, नतीजे दा नहीं होना। यह नहीं सवाल होना वे तेरे होने दीन तख्त आया सी कि नहीं सी आया, यह सवाल जरूर होना है वे तू के कीता सी। मैनू कहंदे ने एक जगह ना मौलवी 5-7-8 बैठे सन, तालिबान किस तरह आए ने, हर बंदा अपनी वजह दस रहा क्यों कामयाब होए ने। मैं कहा यार मैं तुम दसना, गलत भी हो सकना मेरी राय, मैं कुरान हदीस नहीं दस रहा तुम्हें, मेरी जाती राय, मैं गलत भी हो सकना। मैं कहा तालिबान की सब तू वड्डी गल है जिहड़ी इकतदार ते आ गए ने, 7 लाख अमरीकी नस गए ने, उन्हां दे नां छोटे छोटे ने, सब तो वड्डा उन्हां दा जिहड़ा लीडर है उहदा नाम मुल्ला अब्दुल गनी। साढ़े किसी मौलवी नूं इंजां आखो मुल्ला आसिफ गल पै जा सी, अक्सी मेरा नाम लैना ही तो पूरा लै, तैनूं मेरे नाम का पता नहीं, हजरत अलामा मौलाना जनाब फलाना ते फलाना ते फलाना, इतना पूछ लगे तो इतना पिछे करदा कुछ भी नहीं, खाली यारियां खांदा है। कितने बड़े बड़े नाँ ने, तो तालिबान का नाँ सुने कोई इतना बड़ा? हजरत अलामा किसी नाल सुने? किसी नाल मुफ्ती सुने? मुल्ला अब्दुल गनी सब तो वड्डे दा ये हाल है, तो छोटे का क्या हाल है? फिर मैं कहा तालिबान जड़े ना कोई मर जाए ना उन्होंने उस ते पैसे नहीं लाने, वो पैसा असले तो लाने, कोई मर जाए तो दब के जनाजा पढ़ के घर आ जाते, तो असी कापी रख लें कि आया है तो कि नहीं आया, जड़ा नहीं आया उसके नाल मर्जी खत्म कर छड़। जनाजा तो नहीं आया तो मर्जी खत्म, जनाजा तो आ गया अगले दड़े फातह तो नहीं आया, कापी तो ना नहीं लिखा तो मर्जी खत्म, फिर कुलखानी तो नहीं आया तो फिर मर्जी खत्म। तू किस चीज़ का यार है? तो शादी तो इतने नहीं लगते जितना साढ़े मरनिया लग जाते, और कोई खुश होकर नहीं लाता। मैंने पता है साढ़े को रोटियां अक्सर बंदे लै जाते ना फोतकी दी, तो फिर जिस तरह वो पैसे देते हैं सानू पता है किस तरह देते हैं, पैसा जेब च नहीं पर 20-20 हज़ार की रोटी पहले दिहाड़े पक जाती, तो कुल्ला के दिल च 60-70 हज़ार की पक जाए, तो जड़ा करता की है 700 की मजदूरी की दिहाड़ी लाता है। तालिबान है कम नहीं करते तो अमरीका को जित गए ने, कहते तुसा सुनिया उत्थे बड़ा वड्डा जलसा होना है तो तालिबान ने तबलीग करनी है, नहीं ना वो तबलीगों का टाइम जाया करते हैं, ना वो फोतकियां दे पैसा खर्च करते ने, ना वो शादियां दे मेहंदी ते जनाब दूध पिलाई ते शीशा दिखाई नहीं करते, सारा पैसा जिहाद ते लाने ने, सारे पुत्र चुक के जिहादियों नू दे देंदे ने। ते अज तुसां तक लो सुपर पावर एक अमरीका नहीं 60 मुल्कां की फौज अगे लग के नस गई है। जे हजूर का दीन तख्त लियावना है तो इन्हां रसूमात तू भी जान
छुड़ानी पैसी। कोई गल नहीं बिरादरी, जे चार गल्लां कर ले सी ना छड़ दिओ। ये सारिया रसूमात उस वेले करनियां जदों दीन तख्त आ जाए, जदों तक दीन नहीं तख्त आउंदा सारा कुछ छोड़ दिओ। इक्को ही मकसद रखो, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।